आज भले इंडियन मारुति 800 कार को खरीद तक नहीं सकते, मगर एक टाइम ऐसा था कि मारुति 800 कार सभी इंडियन के दिलों में राज करती थी, बल्कि पूरे 20 दशकों तक ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक थी। लाखों में थी, आज हाथों में है। मेरा सपना मेरी मारुति, मेरा सपना मेरी मारुति। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ मारुति 800 कार के साथ, जिसकी वजह से मारुति सुजुकी कंपनी को अपनी सबसे बेस्ट सेलिंग कार को 2014 में ही डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। आज से तकरीबन 45 साल पहले, लगभग 1970s तक, इंडिया में कार सिर्फ या तो पॉलिटिशियंस, पुलिस और दूसरे बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास ही हुआ करती थी, और देश की आम जनता अपने डेली कम्यूट के लिए टू व्हीलर्स का इस्तेमाल करती थी। मगर साल 1980s में संजय गांधी की मौत के बाद उनकी माँ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने बेटे के विजन यानी इंडिया के लिए मोस्ट अफोर्डेबल कार बनाने के सपने को आगे बढ़ाती हैं। हालांकि मारुति कंपनी की नींव संजय गांधी अपने जीवन काल में ही रख गए थे, मगर उनका फर्स्ट ट्रायल सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और इंडिया के लिए मोस्ट अफोर्डेबल कार बनाने की इंस्पिरेशन उन्हें अपने विदेश में बिताए पीरियड से मिली थी, जब यूरोप में वॉर के पीरियड के बाद आम जनता के लिए वोल्सवैगन बीटल लॉन्च करी गई थी, और लॉन्च होते ही ये काफी सक्सेसफुल कार भी साबित हुई थी। इसीलिए साल 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड जापानीज कंपनी सुजुकी मोटर के साथ ज्वाइंट वेंचर एस्टैब्लिश करके इंडियन मिडिल क्लास के लिए मोस्ट अफोर्डेबल कार बनाने के लिए काम शुरू करती है, और फाइनली जाकर साल 1983 में जन्म होता है मारुति सुजुकी 800 कार का। ये कार एक्चुअली में इंस्पायर्ड थी जापान में ओरिजिनली लॉन्च हुई सुजुकी ऑल्टो और सुजुकी फ्रंट SS80 से, पर ये कार को इन दोनों कार से और भी ज्यादा मॉडर्नाइज और बेहतर बनाया गया था, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कार लॉन्च होते ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई, बल्कि ये कार इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन भी साबित हुई। जिस टाइम पर ये कार लॉन्च हुई थी उस टाइम पर इस कार का स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 47,500 रुपीज ही रखा गया था, जो भले उस टाइम के हिसाब से फिर भी ज्यादा था, लेकिन उस टाइम के कॉम्पिटिटर्स यानी एम्बेसडर और जिप्सी जैसी कार से काफी कम था। इसी वजह से उस टाइम पर मारुति 800 कार का क्रेज लोगों के बीच इतना बढ़ गया था कि लोगों को मारुति 800 कार खरीदने के लिए 3-3 साल तक वेट करना पड़ रहा था, और अपने इसी फैंटास्टिक फीचर्स, बेहतर माइलेज और अफोर्डेबल रेट की वजह से ही न सिर्फ मारुति 800 कार ने अपने कंपटीशन को बुरी तरह पीछे छोड़ दिया था, बल्कि इसी वजह से ये कार पूरे 21 सालों तक इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार बनी रही, जिस दौरान मारुति 800 की 2.87 मिलियन यूनिट तक सेल हुई थी। बल्कि सिर्फ यही नहीं, इस कार की सफलता की वजह से ही इसको फ्रांस, इंग्लैंड, इटली जैसे और कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया गया। आप लोगों को एक बहुत ही अजीब फैक्ट, जो शायद ही आपको पता हो, कि मारुति सुजुकी की शुरुआती कार्स में सीट बेल्ट नहीं हुआ करती थी, और सीट बेल्ट को तभी इंट्रोड्यूस किया गया जब मारुति ने अपने कार को यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन इतनी फेमस और रिलायबल कार होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि 2004 के बाद से लोगों का इंटरेस्ट मारुति 800 में कम होने लगा? तो लोगों का मारुति 800 कार से इंटरेस्ट कम होने का मेन रीजन मारुति कंपनी खुद ही थी, क्योंकि साल 2004 में मारुति सुजुकी कंपनी इंडिया में अपनी नई कार ऑल्टो लॉन्च करती है। ये इंडियन वर्जन ऑल्टो का डिजाइन, माइलेज, फीचर और वैल्यू फॉर मनी सभी में मारुति 800 से कहीं बेहतर था, जिसकी वजह से कंज्यूमर का प्रेफरेंस मारुति 800 की जगह पर मारुति ऑल्टो की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया, और इस वजह से सिर्फ एक साल में मारुति 800 का 21 सालों का मोस्ट सेलिंग कार होने का रिकॉर्ड टूट जाता है, और मारुति कंपनी की ही ऑल्टो कार इंडिया की नई मोस्ट सेलिंग कार बन जाती है। इसके अलावा जो अगला बड़ा रीजन था मारुति कंपनी के लिए मारुति 800 कार को डिसकंटिन्यू करने का, वो था BS एमिशन नॉर्म्स, क्योंकि मारुति 800 काफी पुरानी डिजाइन की गाड़ी हो चुकी थी, इसलिए वो नई एयर पोल्यूटेंट नॉर्म के साथ कंप्लायंट नहीं थी, और इस कार को नए BS नॉर्म के साथ कंप्लायंट करने के लिए इसके इंजन को ही पूरी तरह रीडिजाइन करना पड़ता, जिसमें काफी रिसर्च और इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता जितने पैसों में मारुति कंपनी नए मॉडल की पूरी नई ही कार डिजाइन कर लेती। इसी वजह से मारुति कंपनी ने अपने पैसे को मारुति 800 की जगह दूसरी नई कार पर इन्वेस्ट करने का फैसला किया।
जैसे कि वीडियो के मैंने शुरुआती पार्ट में बताया था कि शुरुआती एंट्री लेवल मारुति 800 सेफ्टी बेल्ट का ऑप्शन तक नहीं देती थी, और सेफ्टी बेल्ट इसमें बाद में ही इंट्रोड्यूस करी गई थी जब इस कार को इम्पोर्ट करना शुरू किया गया। मगर सेफ्टी बेल्ट के अलावा भी इस कार में दूसरे और भी कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं थे, जिसकी वजह से ये कार काफी एक्सीडेंट प्रोन थी। इसीलिए साल 2016 की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ मारुति 800 कार से हुए एक्सीडेंट से ही 3,00,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसने इस कार को एक टाइम पर मोस्ट सेलिंग कार होने से लेकर मोस्ट अनसेफ कार ऑफ इंडिया होने का रिकॉर्ड तक दिला दिया था। इसके अलावा साल 2010 के बाद से तो इंडिया के ज्यादातर एंट्री लेवल कार तक में एयर बैग और दूसरे सेफ्टी फीचर्स आने लग गए थे, जो कि मारुति 800 में इंट्रोड्यूस करना कंपनी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वक्त के साथ साथ इंडिया में और फॉरेन कार कंपनीज जैसे कि हुंडई, शेवरोले और दूसरी कंपनीज ने एंट्री कर ली, जिन्होंने अपने इनोवेटिव डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया की एंट्री लेवल कार मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। इसीलिए मारुति 800 अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे काफी ओल्ड मॉडल कार बन गई, जो उनके लुक तक से कम्पीट नहीं कर पा रही, और मारुति कंपनी ने भी अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए स्विफ्ट जैसी कार लॉन्च कर दी थी, जो कि राइवल्स पर काफी भारी भी पड़ रही थी। इसीलिए मारुति कंपनी ने अपना इंटरेस्ट अपनी दूसरी सक्सेसफुल कार को रीडिजाइन करने में ही दिखाया, जिससे ये कंपनी को मारुति 800 को फिर से रीडिजाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर कार्स को डेली कम्यूट की जगह एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। Have you seen my car keys? इसीलिए जो लोग कार अफोर्ड कर भी लेते हैं वो आउटडेटेड कार मॉडल चलाना नहीं चाहते, इसीलिए अपने स्टेटस के हिसाब से या तो वो बड़ी कार प्रेफर कर रहे थे या दूसरी मोर रिलायबल कार्स। इसीलिए मारुति 800 जैसी पुरानी मॉडल खरीदने से बेहतर लोग नए मॉडल की कार प्रेफर कर रहे थे, जिसकी वजह से ही अर्बन कंज्यूमर के बीच मारुति 800 की अपील खो चुकी थी। और सिर्फ इन्हीं कुछ वजहों से फाइनली वो साल आता है जब साल 2014 में मारुति सुजुकी कंपनी अपनी सबसे फेमस कार मारुति 800 को प्रोडक्शन से ही हटाने का फैसला करती है। लेकिन उसके बावजूद भी मारुति 800 ऐसी कार है जिसका नाम इंडिया में बच्चा बच्चा आज भी जानता है, क्योंकि न सिर्फ इस टाइम पर भी आप मारुति 800 कार को पहाड़ों में या फिर कई ट्रेनिंग स्कूल में देखोगे, जिसके इस्तेमाल से इंडिया में आज भी लोग ड्राइव करना सीखते हैं। इन मारुति सुजुकी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने कार ड्राइव करना कौन सी कार से सीखा है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।